जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने बैंगन की नर्सरी तैयार हुई है, बिल्कुल खेत में लगाने के लिए तैयार है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे इसकी तैयारी की गई है। किसान भाइयों नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बरसात के मौसम में बैंगन की नर्सरी आप कैसे तैयार करें। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि आप जो है एक बेड बनाइए। आप जैसे बेड तब आप कैमरा ले चलिए, आप देखिए ये हमारी बेड बनी हुई है और बेड की ऊंचाई जो है आपके ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए और ऐसा है भी। इसमें आपके जल निकासी की व्यवस्था रहती है, हो जाती है। और इसमें आप जब नर्सरी डालने की बात करें तो अच्छे से निकाई, इसकी अच्छे से निकाई और गुड़ाई करें, खरपतवार बीन लें, उसके बाद समतल करके इसमें जो है आप बीज को छिड़काव करें, बीज को छींटें। उसके बाद ऊपर से आप जो है सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, या बर्मी कंपोस्ट भी जो भी हो आपके पास अवेलेबल हो, आप ऊपर से एक लेयर बिछा दीजिए और फिर इसके बाद ये नर्सरी जमना शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से करने के बाद अब आप इधर थोड़ा सा कैमरा लीजिए, जो हमारी नर्सरी इधर तैयार हुई है उसी प्रोसेस की हमारी नर्सरियाँ हैं। ये नर्सरी का मैनेजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि जो बैंगन में आप सीड का ट्रीटमेंट करें, इसको आप कार्बेंडाजेम एक दवा आती है उसको लीजिए, उसके बाद वो जो 2.5 से 3 ग्राम पर 100 ग्राम सीड में इसको आप हाथ से मल करके मिला दें, आपका सीड ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद आप इसको नर्सरी में ले आइए, नर्सरी में आप इसको आप छिड़का बूझ से छिटिए और उसके बाद नर्सरी के जमने के बाद सबसे बड़ी बीमारी होती है जो पौधों का गलना, इसे हम लोग इस भाषा में कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। और डैम्पिंग ऑफ जब बीमारी आती है तो इसमें आप जो है कार्बेंडाजेम ही का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप ड्रेंचिंग करेंगे। इसको हम जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाते हैं और ये जड़ों में इसको हम डालते हैं। इस प्रकार से हम उस रोग को ख़त्म करते हैं। इस प्रकार से आपकी बेहतर नर्सरी जो है आप तैयार कर सकते हैं विदाउट किसी रोग के। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद।